हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स भौतिकी के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कार्बन प्रतिरोध वर्ण कोड। जी हाँ दोस्तों, कार्बन प्रतिरोध वर्ण कोड, पूरा कार्बन प्रतिरोध वर्ण कोड हम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मस्त तरीके से आपको पढ़ाएंगे विद नोट्स के साथ, विद आपको नोट्स देंगे। अब कार्बन प्रतिरोध में जो होता है सब कुछ पढ़ाएंगे, विद इसके न्यूमेरिकल भी आपको कराएंगे। कार्बन प्रतिरोध क्या होता है, इसकी क्या बनावट होती है, क्या इसके लिए वर्ण कोड होता है, ये सब कुछ हम बहुत अच्छे से जानने वाले हैं। और इसके बाद हम इसके उपयोग पर, सॉरी न्यूमेरिकल पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये समझ लेते हैं कि कार्बन प्रतिरोध वर्ण कोड क्या होता है, या वर्ण कोड तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम देख लेंगे ये कार्बन प्रतिरोध क्या होता है। तो दोस्तों आपको एक चीज़ बता देता हूँ, विभिन्न प्रकार के हमारे पास उपकरण होते हैं। जैसे घर में हमारा पंखा होता है, क्या होता है भाई, पंखा होता है, क्या होता है, पंखा होता है, ठीक है। हमारे पास हमारे घर में कूलर होता है, बिल्कुल सर कूलर होता है। हमारे घर में हमारे पास टीवी होती है, हमारे घर में हमारे पास फ्रिज होता है, क्या होता है भाई, फ्रिज होता है। तो ये दोस्तों क्या है, विभिन्न उपकरण है, विभिन्न क्या है, उपकरण है। तो दोस्तों हमने अक्सर देखा है कि हमारा जो घर में रखा है पंखा है, या फिर जो कूलर है, या जो टीवी है, या जो फ्रिज है ना, आसानी से ख़राब नहीं होते, इतने जल्दी ख़राब नहीं होते। कारण क्या है, देखो हमारे घर में जो वोल्टेज है, वोल्टेज बढ़ता घटता रहता है, ज़रूरी नहीं कि वोल्टेज जो है ना स्थाई है ना, स्थाई वोल्टेज हो, नहीं, हमारे घर का जो वोल्टेज है वो बढ़ता घटता है और बढ़ता घटता रहता है। फिर भी हमारे जो टीवी कूलर फैन जो पंखे वगैरह होते हैं सब जो है ना चलते रहते हैं उस बराबर वोल्टेज के साथ, जो बढ़ता घटता वोल्टेज है उसके साथ भी ये चलते रहते हैं, ख़राब नहीं होते। कारण क्या होता है, कारण ये होता है दोस्तों कि उनमें कार्बन प्रतिरोध लगा होता है। क्या लगा होता है मेरे भाई, कार्बन प्रतिरोध, पंखा में कार्बन प्रतिरोध, कूलर में भी कार्बन प्रतिरोध होता है, ठीक है। इस प्रकार से अगर टीवी देखें तो टीवी में तो स्पेशल कार्बन प्रतिरोध होता ही है, फ्रिज होता है, इस फ्रिज में भी कार्बन प्रतिरोध होता है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है, विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में विभिन्न मानों के कार्बन प्रतिरोध प्रयुक्त किए जाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो कार्बन प्रतिरोध पंखा में प्रयोग किया गया है वो एक टीवी में प्रयोग किया जाए, ज़रूरी नहीं कि जो फ्रिज में किया गया है वो टीवी में किया जाए या कूलर में किया जाए। तो इन सब अलग अलग उपकरणों के लिए अलग अलग कार्बन प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। अब कार्बन प्रतिरोध कैसा होता है, तो आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये देख रहा है आपको, ये आपका कार्बन प्रतिरोध है। कार्बन प्रतिरोध इस टाइप का जो आपने देखा ही होगा, इस टाइप का जो अब आपने कभी भी किसी आपके घर में किसी ने टीवी खोला हो या रिमोट ओपन किया हो, है ना, तो कोई भी उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो थे उसको यदि ओपन किया होगा तो इस टाइप का जो है ना आपको इंस्ट्रूमेंट ज़रूर दिखा होगा, तो आपने ये देखा ही होगा, देखा होगा। तो ये दोस्तों आपको दिख रहा है कार्बन प्रतिरोध है। अब कैसे बनता है वो मैं बताऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो ये आपको क्या दिख रहा है, कार्बन प्रतिरोध। तो ध्यान रखना, विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में विभिन्न मानों के कार्बन प्रतिरोध प्रयोग किए जाते हैं। बिल्कुल सर, किए जाते हैं, अलग अलग मानों के, जिनका प्रतिरोध मान क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। प्रतिरोध मान जो है ना, प्रत्येक कार्बन प्रतिरोध का जो है ना वो भाई अलग अलग होता है, ध्यान रखना। वो प्रतिरोध क्या होता है, सब प्रत्येक कार्बन प्रतिरोध, जो कार्बन प्रतिरोध होता है उसके लिए जो प्रतिरोध होता है उसका मान अलग अलग होता है, ठीक है। चलो, इन प्रतिरोधों के मान वर्ण कोड की सहायता से ज्ञात करते हैं। इन प्रतिरोध के जो मान होते हैं, जो अलग अलग टाइप के जो प्रतिरोध प्रयोग किए जाते हैं, इनका जो प्रतिरोध है ये वर्ण कोड की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अब वर्ण कोड क्या है तो उसको भी आपको समझाएंगे, टेंशन उसकी बिल्कुल भी नहीं लेना। अब दोस्तों आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं, कार्बन प्रतिरोध जो है ना वो इस टाइप का होता है। कैसा होता है, इस टाइप का जो दिख रहा है, इस टाइप का होता है। अभी ऐसे बनाया कैसे जाता है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको सिखाता हूँ, आपको समझाता हूँ क्या करते हैं दोस्तों। ये जो है ना, आपको ये दिख रहा है ना, तो ये आपका जो दिख रहा है ना, ये इस टाइप का, देखो आपको मैं बना देता हूँ, ये आपको दिख रहा है ना इस टाइप का, ये आपका चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी आपने देखी होगी, चीनी मिट्टी या प्लास्टिक, चीनी मिट्टी या प्लास्टिक का खोल होता है, ये बेलनाकार खोल होता है, ये किसका होता है, चीनी मिट्टी या प्लास्टिक का होता है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, तो दोस्तों इसके अंदर हम कार्बन चूर्ण भरते हैं, क्या भरते हैं, कार्बन, कार्बन का क्या भरते हैं, चूर्ण भर देते हैं, कार्बन का क्या भर देते हैं, चूर्ण भर देते हैं।
और कार्बन का चूर्ण भरते हैं। अब कार्बन की कितनी मात्रा भरी है, कार्बन का कितना चूर्ण भरा है, उसके अकॉर्डिंग इसका क्या निकाला जाता है, प्रतिरोध निकाला जाता है। जैसे ज़्यादा कार्बन भरोगे तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा, कम कार्बन भरोगे तो कम प्रतिरोध होगा। तो इसके अंदर जो भरा हुआ प्रतिरोध होता है उसके आधार पर प्रतिरोध जो है ना आर जो है ना इस आर की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, चलो आगे क्या करते हैं, इसको किसी विद्युत परिपथ में जोड़ना पड़ेगा। तो किसी विद्युत परिपथ में जोड़ने के लिए इसमें से हम दो वायर निकाल देते हैं, एक वायर ये मतलब एक वायर ये और एक वायर ये, दो वायर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर और यहाँ पर आप विद्युत परिपथ से जोड़ सकते हैं, क्योंकि विद्युत परिपथ में हमेशा दो तार होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इस जो कार्बन प्रतिरोध है इसका मान ज्ञात करने के लिए कार्बन प्रतिरोध छोटा है बड़ा है ना, छोटा है बड़ा है, कितना बड़ा है कितना छोटा है, इसके ज्ञात करने के लिए दोस्तों इस पर ये चार लाइनें बना दी जाती हैं। चार कलर की कितनी लाइनें बना दी जाती हैं, चार लाइन बनाई जाती हैं। और इन चार लाइनों के आधार पर, इन जो चार लाइनें होती हैं, इन चार लाइनों के आधार पर ही जो है ना हम प्रतिरोध जो कार्बन प्रतिरोध है उसको पहचानते हैं कि ये छोटा वाला है बड़ा वाला है किस प्रकार का है। ठीक है, जो मैंने दिखा रहा ना ये चार लाइनें जो है ना अलग अलग कलर की होती हैं, तो इस टाइप से हम कार्बन प्रतिरोध बनाते हैं। तो कार्बन प्रतिरोध क्या है, विद्युत उपकरणों में या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग किया जाता है, और विद्युत और उपकरणों में अलग अलग प्रकार का कार्बन प्रतिरोध उपयोग किया जाता है। अब ये समझ गए, अब हम थोड़ा सा इसके बनावट पे बात करते हैं कि इस कार्बन प्रतिरोध की जो बनावट है वो किस प्रकार से की जाती है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर ये देख रहा है बनावट, क्या देख रहा है बनावट, तो मैंने आपको यहाँ समझा दिया है। कार्बन प्रतिरोध बनाने के लिए चीनी मिट्टी या प्लास्टिक के बेलनाकार खोल होता है, बिल्कुल चीनी मिट्टी का या प्लास्टिक का बेलनाकार खोल होता है, में कार्बन चूर्ण भर दिया जाता है। क्या भर दिया जाता है, जो कार्बन चूर्ण भर दिया जाता है। ठीक है, इसे विद्युत परिपथ में जोड़ने के लिए इसके सिरों पर एक एक संयोजी तार, ये दौड़ा ना, एक एक संयोजी क्या कर दिया जाता है, तार जोड़ दिया जाता है। तो ये इसकी बनावट है। अब आगे दोस्तों बर्न कोड पे बात करते हैं, जो कार्बन प्रतिरोध में जो चार लाइनें बनी रहती हैं, ये चार लाइनें किसको बताती हैं, उसके बर्न कोड पे हम बात करते हैं। ठीक है, चलो तो आ जाओ दोस्तों बर्न कोड पे आ जाओ। ठीक है, तो देखो यहाँ समझ लो, यहाँ पर समझ लो बनावट बर्न कोड पे, तो कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए, जो कार्बन प्रतिरोध होता है उसका मान ज्ञात करने के लिए इनके खोल पर विभिन्न रंगों के चार रिंगों या बैंडों का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल ध्यान रखना, प्रत्येक कार्बन प्रतिरोध पर चार रिंग या चार बैंड का ही प्रयोग किया जाता है, एक दो तीन चार, चार रिंग या चार बैंड का ही प्रयोग किया जाएगा प्रत्येक कार्बन प्रतिरोध पर, चाहे वो कार्बन प्रतिरोध कोई सा भी हो, चार का प्रयोग किया जाता है, जिसमें चारों के जो है ना हमेशा चारों को ए बी सी डी से व्यक्त किया जाता है। तो ए बी सी डी क्या है, तो दोस्तों ए बी सी डी जो है ना वो जहाँ पर जो ए और बी है, एक मिनट आपको बता दे रहा हूँ, जो आपको ए और बी दिख रहा है ना, ए और बी वो रंग के अंक हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर अभी मैं आपको रंग के अंक बताऊंगा जो निश्चित हैं, अभी आपको बर्न कोड बनाऊंगा, अभी बर्न कोड मैंने नहीं बनाया, अभी मैं बर्न कोड बनाऊंगा और उसको ट्रिक के माध्यम से याद भी कराऊंगा। तो यहाँ पर जो आपका कार्बन प्रतिरोध होता है, क्या भाई कार्बन प्रतिरोध होता है, दिख रहा है आपको ये कार्बन प्रतिरोध, इसमें चार रंगों के चार रंग होते हैं, कितने रंग होते हैं, चार रंग, और चार रंगों को पहले दो को ए बी से, पहले को ए से, दूसरे को बी से, तीसरे को सी से, चौथे को डी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब ए बी सी डी क्या है, तो दोस्तों ए बी सी डी जो आपके हैं, तो ए और बी तो रंग के अंक हैं, क्योंकि रंग जो होंगे उनके अंक निश्चित हैं, वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सी क्या है, दशमलव गुणांक होता है, और डी क्या है, त्रुटि होती है, मतलब इसमें जो भी त्रुटि होती है, जो आपका प्रतिरोध मैंने बनाया है, ये बनाया है, इसमें कुछ ना कुछ त्रुटि निकल जाती है, कुछ ना कुछ क्या निकल जाती है, त्रुटि निकल जाती है। तो जो त्रुटि होती है उस त्रुटि को हम क्या करते हैं, कभी त्रुटि ज़्यादा हो सकती है तो हम क्या कर देंगे, ज़्यादा होगी तो उसको हटा देंगे, और कम होगी तो उसको जोड़ देंगे। तो डी क्या बता रहा है, त्रुटि को बता रहा है। तो ये ध्यान रखना आपको, है ना, जिसको भी इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो देखो, ठीक है, और ऊपर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है भाई वो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब ये तो आप समझ गए कि कार्बन प्रतिरोध क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है, इस प्रकार से जो लाइन है वो किसको व्यक्त करती हैं, कितनी लाइनें होती हैं, क्या क्या होता है, अब वो तो हो गया। अब हम दोस्तों बर्न कोड पर बात करने वाले हैं। दोस्तों अब हम कार्बन प्रतिरोध के बर्न कोड पे बात करने वाले हैं, मतलब जो आपका कार्बन प्रतिरोध होता है, इस हमने आपको बताया था इस कार्बन प्रतिरोध में चार रिंगें होती हैं, और चार जो रिंगें होती हैं इन चार रिंगों में अलग अलग कलर होते हैं। तो मेरे भाई आपको ये बता दे रहा हूँ, इन चार रिंगों पर अलग अलग कलर होते हैं, और इनकी सहायता से ही हम क्या करते हैं, जो कार्बन प्रतिरोध होता है उसके प्रतिरोध का मान निकालते हैं। ठीक है,
तो इन चार कलरों में दोस्तों, ये जो कार्बन प्रतिरोध की जो चार रिंगें होती हैं, इनमें चार कलर होते हैं, और ये जो चार कलर हैं, इन चार कलर में से ये आपको दिख रहे हैं ना, इतने टाइप के कलर हो सकते हैं। काला हो सकता है, भूरा हो सकता है, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, स्लेटी, सफ़ेद, सुनहरा, चांदी, इतने कलरों में से कोई भी एक कलर आपका जो है ना कार्बन प्रतिरोध पे हो सकता है। बट इतने कलरों को दोस्तों हम ऐसे कैसे याद करें, क्या क्रम है इनका याद करने का? देखो, क्योंकि क्रम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल आएंगे तो आपको क्रम याद होना चाहिए, और क्रम याद होने के अलावा उनका अंक होना चाहिए कि काले रंग को कितना अंक दिया गया है, काले रंग का गुणांक क्या है, काले रंग की सीमा मतलब त्रुटि क्या है। तो इस टाइप से अगर ये चीज़ आपको ये टेबल याद होगी तो आप इसके न्यूमेरिकल कर पाओगे, इसके अलावा अगर नहीं होगी तो नहीं कर पाओगे। तो आपको टेंशन मत ले नहीं लेना है, कार्बन जो प्रतिरोध है, इनके जो अंक, गुणांक, सीमा को याद रखने के लिए हमारे, मतलब सीधी सी बात, इन कलरों को याद रखने के लिए, इन कलरों का क्रम याद रखने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, और वो हमारी ट्रिक दोस्तों ये है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। मतलब जो बीबी रॉय है, मतलब ग्रेट ब्रिटेन, जो ग्रेट ब्रिटेन की बीबी रॉय है, समझ रहे हो ना, ग्रेट ब्रिटेन की जो बीबी रॉय है बहुत अच्छी वाइफ है, जिसका नाम क्या है, जीएस नाथ। क्या है? जीएस नाथ। तो ध्यान रखना है भाई साहब, क्या है ट्रिक हमारी, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, मतलब ग्रेट ब्रिटेन की बीबी रॉय जो हैज़ वेरी गुड वाइफ, बहुत अच्छी वाइफ है, जिसका नाम क्या है, जीएस नाथ। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ से बी, जो आपका बी दिख रहा है, इस बी से बनेगा आपका ब्लैक, क्या बनेगा, ब्लैक, इस बी से बनेगा आपका ब्राउन, ठीक है, इस आर से बनेगा आपका रेड, इस ओ से बनेगा आपका ऑरेंज, इस बाय से बनेगा आपका एल्लो, क्या बनेगा, एल्लो, है ना। ऑफ हमारा यहाँ पर साइलेंट है, ऑफ हमारा क्या है, साइलेंट है। ग्रेट से बनेगा, जो ग्रेट है ना आपका, इस ग्रेट से बनेगा आपका ग्रीन, ब्रिटेन से बनेगा आपका ब्लू मतलब नीला, ठीक है। चलो, यहाँ पर आपका देखेंगे जो हैज है वो भी आपका क्या है, साइलेंट है, क्या है, साइलेंट है, ठीक है। फिर ये हमारा क्या है, वेरी, इस वेरी से बनेगा आपका वायलेट, वायलेट मतलब बैगनी बनेगा, क्या बन जाएगा, बैगनी। इस जो आपको गुड दिख रहा है ना, इस गुड से ये आपका बनेगा ग्रे, क्या बनेगा, ग्रे, ये लिखा है ग्रे, थोड़ा सा ये क्रम बिगड़ गया था, तो ये स्लेट, ग्रे मतलब होता है स्लेटी, ठीक है। चलो, इस वाइब से बनेगा आपका वाइट, क्या बनेगा भाई, वाइट मतलब, वाइट मतलब सफ़ेद, ये थोड़ा सा क्रम बिगड़ा हुआ है, इसलिए एक सेकंड थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ, आपको दिखा ही नहीं, सॉरी दोस्तों, है ना, सॉरी दोस्तों, आपको दिखा नहीं है ना। चलो, इसको थोड़ा सा हम यूँ करते हैं ऐसे, ठीक है। चलो, इसको हम थोड़ा सा इस टाइप से कर लिया है ना, तो वेरी से बनेगा, सॉरी, गुड से बनेगा आपका ग्रे, ग्रे है मतलब होता है आपका स्लेटी, क्या होता है, स्लेटी, ठीक है। चलो, और इसके अलावा जो वाइफ है, क्या है भाई, वाइफ है, इस वाइफ से बनेगा वाइट, वाइट मतलब होता है सफ़ेद, ठीक है। चलो, हो गया ना। अब यहाँ पर जो आपका हर है वो भी साइलेंट है, नेम है वो भी साइलेंट है। अब आपका जो जी है, जी से बनेगा आपका गोल्डन, गोल्डन मींस होगा सुनहरा, गोल्डन मींस क्या होगा भाई, सुनहरा बने होगा। और जी एस है, एस से बनेगा भाई सिल्वर, एस से क्या बनेगा भाई, सिल्वर, क्या बनेगा, सिल्वर, सिल्वर मतलब चांदी कलर, ठीक है। और जो नाथ लिखा था अंत में, आपको दिख नहीं पा रहा, आपको दिख नहीं पा रहा है, उस नाथ से बनेगा, नाथ से बनेगा नो कलर, मतलब ऐसा भी हो सकता है कोई कलर भी ना हो, कोई कलर भी नहीं हो, तो कोई कलर ना हो तो उस स्थिति में हम क्या करें, ठीक है। तो समझ गए ना। तो अब आगे आपको ध्यान रखना है दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिएगा, थोड़ा सा आप समझिएगा, जो काला रंग है, इस काले रंग के लिए एक अंक दिया गया है, ठीक है। जब भी आप काला रंग आपको दिख जाए तो काले रंग के लिए कौन सा अंक दिया गया है, एक, एक अंक निकाल, एक अंक लिखोगे, ठीक है। इसका जो गुणांक है, काले रंग है, इस काले रंग का गुणांक है 10 की पावर 0 मतलब एक, 10 की पावर 0 मतलब एक, मतलब काले रंग का जो गुणांक है वो क्या है, एक है। जो ब्राउन है, इसके लिए आपका 2 अंक दिया गया है, क्या दिया गया है, 2 अंक दिया गया है। रेड के लिए 3 दिया गया है, नारंगी के लिए 4 दिया गया है, पीला के लिए 5, हरा के लिए 6, ठीक है, फिर नीला के लिए 7, बैंगनी के लिए 8 दिया गया है, और स्लेटी के लिए दिया गया है 9। इसके अलावा वाइट मतलब वाइट, गोल्डन और जो सिल्वर हैं, इनके लिए
कोई कलर नहीं दिए गए, मतलब अगर ये जो आपको कलर मिल गए तो इनके लिए आपको जी ब्लैंक कर देना है, इनके लिए कोई अंक का मान नहीं रखना है, क्लियर है। अब गुणांक की बात करें तो इसके लिए आपका जो भूरा है, भूरा के लिए गुणांक है ना 10^1, मतलब आपका 10 है, ठीक है। इसके बाद आपका रेड है, रेड के लिए 10^2, मतलब आपका 100 है, ठीक है। अब इसके लिए दिया है 10^3, इसके लिए दिया है 10^4, ठीक है, इसके लिए 10^5, ठीक है, फिर 10^6, फिर 10^ कितना भाई 7 है, ठीक है, फिर 10^ भाई कितना है 10^ फिर भाई 8 है, फिर 10^ कितना भाई 9 है, ठीक है। बाकी के जो हैं उनके लिए कोई कलर यहाँ पर डिसाइड नहीं है, कोई कलर यहाँ पर डिसाइड नहीं है, समझ गए ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो आगे आपको यहाँ से ध्यान रखना है, थोड़ा सा दोस्तों क्रम बिगड़ गया है, काले के लिए 1 है, भूरे के लिए 2 है, लाल के लिए 3 है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा दोस्तों ये मिस्टेक हो गया है, और इस मिस्टेक को हम सुधार करेंगे, इस मिस्टेक को हम सुधार करेंगे। दोस्तों क्या मिस्टेक हुई है कि जो काला है, काले के लिए 1 नहीं दिया गया बल्कि 0 दिया गया, क्या दिया है 0, फिर 1 दिया गया है, फिर 2 दिया गया है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8, और वाइट के लिए है आपका 9, वाइट के लिए कितना है 9। तो ये वाला जो क्रम है वो गड़बड़ हो गया है, थोड़ा सा ध्यान रखना, 0 से स्टार्ट है, कहाँ से स्टार्ट है भाई 0 से स्टार्ट। तो ब्लैक के लिए कितना है 0, भूरे के लिए है 1, तो थोड़ा सा ये क्रम थोड़ा गड़बड़ हो गया है, उसको आप थोड़ा सुधार कर लेंगे, ठीक है। चलो यहाँ से सफ़ेद तक दिए गए हैं, किसके लिए सफ़ेद तक दिए गए हैं, बाकी सुनहरा, चांदी और जो नो कलर है इसके लिए आपकी कोई जगह नहीं है। तो ये भी आपका थोड़ा सा सुधार करना, और ये भी कहाँ तक है वाइट तक है, थोड़े मैं आपको ये एरो लगा के एक क्रम बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है, बट इसको आप आई होप सुधार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो ये आपको थोड़ा सा सुधार कर लेना है क्रम, है ना, मतलब 0 के सामने आपका 10^0 आएगा, 1 के सामने 10^1, 2 के सामने 10^2, 3 के सामने 10^3, तो इस टाइप से आपको सुधार कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। तो अब जब ये इसका न्यूमेरिकल करोगे ना, तब ये जाके चीज़ जो है ना बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। देखो अभी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब सीमा की बात करें तो दोस्तों ब्लैक कलर के लिए कोई त्रुटि नहीं है, भूरा के लिए कोई त्रुटि नहीं है, लाल के लिए नहीं है, नारंगी के लिए नहीं है, पीले के लिए नहीं है, हरे के लिए नहीं है, ठीक है, है ना, नीला फिर उसके लिए नहीं है, बैगनी के लिए नहीं है, स्लेटी के लिए नहीं है, ठीक है, स्लेटी के लिए भी कोई त्रुटि नहीं है, सफ़ेद के लिए भी कोई त्रुटि नहीं है, बाकी जो सुनहरा अंक है, जो आपका सुनहरा दिख रहा है ना, इस सुनहरे के लिए कोई त्रुटि है, सुनहरे के लिए त्रुटि है, और सुनहरे के लिए जो त्रुटि होती है वो होती है 5%, ठीक है। और जो चांदी कलर है, इस चांदी कलर के लिए भी त्रुटि जो होती है वो 10% होती है, और जब कोई कलर नहीं होता तो उसके लिए भी क्या है त्रुटि है, उसके लिए भी क्या है भाई त्रुटि है, जो आपकी 20% है, ध्यान रखना। तो सुनहरे अंक के लिए कितनी है 5, चांदी के लिए कितनी है 10 है, ठीक है, चांदी के लिए कितनी है भाई 10 है, और जब कोई कलर नहीं होता तो उसके लिए कितनी है 20 है। तो ये आपका जो है ना टेबल आपको है ना बनाना है, ये टेबल जो आपको दिख रही है ये टेबल आपको बनाना है, थोड़ा सा मैंने ऊपर भी कर दिया, ये देखो आपको ये टेबल जो है ना टोटल टेबल आपको बनाना है, और इसकी जो ट्रिक है तो वो ये ट्रिक है, तो ये ट्रिक भी याद रख लो आप, ठीक है। चलो इसके बाद दोस्तों हम आपको न्यूमेरिकल कराते हैं, तो दोस्तों आपको मैंने अभी एक चीज़ बताई है, और वो एक चीज़ क्या है देखो इधर समझो एक मिनट। यदि हमें कार्बन प्रतिरोध से, कार्बन जो प्रतिरोध है उसके, कार्बन प्रतिरोध का हमें क्या करना है सूत्र निकालना है कि उसके लिए प्रतिरोध का मान कितना है, तो इस सूत्र की हेल्प से हम क्या करेंगे कार्बन प्रतिरोध का मान निकालेंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम इसको करते हैं। दोस्तों ये हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और इसमें बोला है निम्न कार्बन प्रतिरोध के लिए प्रतिरोध का मान बताइए, मतलब इस योग आपको कार्बन प्रतिरोध दिया है, इसके लिए हमें R का मान बताना है। तो दोस्तों आपको पता है R जो है ना, R का सूत्र क्या होता है, तो मैंने आपको अभी बताया AB गुणित C प्लस माइनस D, ये कार्बन प्रतिरोध के जो मान का क्या है सूत्र है। तो आपको पता है ए और बी किसको बताते हैं, ए और बी भाई किसको बताते हैं, रंगों के अंक को बताते हैं, ए और बी रंगों के अंक को बताते हैं, सी किसको बताता है तो सी गुणांक को बताता है, ठीक है, और डी किसको बताता है तो डी भाई साहब त्रुटि को बताता है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, ए की जगह पर काला रंग है, बी की जगह पर लाल रंग है, सी की जगह पर नारंगी है, और डी की जगह पर सुनहरा रंग है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करना है। तो देखो ये रहा हमारा आर,
अब ए की जगह कौन सा रंग है, काला, और आपका ए बताता किसको है, अंक को बताता है, तो ए की जगह ए काला है, तो काले के लिए अंक क्या है, जीरो है, तो ये हमने रख दिया जीरो। बी की जगह क्या है, लाल, और लाल के लिए अंक क्या है भाई, एक सेकंड, लाल के लिए अंक क्या है भाई, दो है, तो ये हमने रख दिया दो, गुणित। सी, अब सी क्या बताता है भाई, सी आपका गुणांक बताता है, सी आपका क्या बताता है, गुणांक, तो सी कौन सा है, नारंगी, क्या है भाई, नारंगी, और नारंगी के लिए जो आपका अंक तो ये है, और गुणांक क्या है, 10 की पावर 3, तो ये हमने लिख दिया 10 की पावर 3। अब प्लस माइनस डी, तो डी क्या है भाई, सुनहरा है, और सुनहरा के लिए, सुनहरा डी क्या बताता है, त्रुटि को, किसको बताता है, त्रुटि या सीमा को, और डी क्या है, सुनहरा, तो सुनहरे अंक के, सॉरी सॉरी, सुनहरा जो रंग है, इस सुनहरा के लिए त्रुटि क्या है, तो यहाँ पर आपका ये है सुनहरा, ठीक है, और सुनहरा के लिए जो हमारी त्रुटि है वो कितनी है, 5%, कितनी है, 5%, ठीक है, तो यहाँ पर जो डी है, इस डी की जगह हम क्या रख देंगे, 5%। अब इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, चलो, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2 10 की पावर 3 मतलब 1000, और प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 5, ठीक है, तो ये हमारा 2 का गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2000, और प्लस माइनस 5, तो यही दोस्तों हमारा क्या होगा, आर का मान, और ये जो है ना हमारा ओम में होता है, किस में होता है, ओम में, क्योंकि प्रतिरोध हमेशा किस में होता है, ओम में होता है, तो ये ओम में होता है, समझ गए ना, तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, चलो अब दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास मान लेते हैं ये हमारे पास एक अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारे पास एक अगला क्वेश्चन है, ठीक है, चलो यहाँ पर इसमें 3 लाइनें हैं, कितनी लाइनें हैं, 3 लाइनें हैं, चौथी लाइन इसमें है ही नहीं, चौथी लाइन इसमें है ही नहीं, केवल 3 ही लाइन हैं, ए बी और सी, ए बी और सी, तो ये हमारा मान लिया है, ये जो है ना ए हमारा क्या है, मान लेते हैं नारंगी, क्या है, नारंगी है, ठीक है, बी जो है ना वो मान लेते हैं क्या है, लाल है, क्या है, लाल, और सी जो है ना वो मान लेते हैं आपका क्या है, काला, क्या है भाई, काला है, तो इसके लिए प्रतिरोध का आपको क्या निकालना है, सूत्र निकालना है, क्या निकालना है, सूत्र, तो सूत्र क्या होता है, आर बराबर ए बी गुणित सी, और प्लस माइनस डी, तो ए की जगह क्या है, ए नारंगी है, और नारंगी के लिए क्या है, अंक, मतलब ए और बी अंक बताते हैं ना, तो ए नारंगी के लिए अंक क्या है, 3 है, तो ये रख दिया हमने 3, बी बी क्या है, लाल, और लाल के लिए अंक क्या है, 2, तो ये रख दिया 2, ठीक है, सी सी क्या है, आप सी सी क्या है, लाल, ठीक है, और सी सॉरी सी क्या है, सी काला है, सी क्या है भाई, काला है, और सी बताता किसको है, तो सी गुणांक को बताया, तो काले रंग के लिए गुणांक क्या है, 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 मतलब 1, 10 की पावर 0 मतलब 1, ठीक है ना, चलो, और प्लस माइनस डी, तो यहाँ पर भाई चौथी तो लाइन है ही नहीं, तो आपका डी है ना होगा ही नहीं, अब डी होगा नहीं तो इसको छोड़ दो, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो 32 एकम 32, तो ये आपका 32 ओम क्या आ गया, प्रतिरोध आ गया, समझ गए ना, 32 ओम क्या आ गया, आपका प्रतिरोध आ गया, समझ गए ना, तो ऐसे दोस्तों हम न्यूमेरिकल करेंगे, तो इस टाइप से किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल हो इस टाइप से इनको कर सकते हैं, तो आई होप आप समझ गए होगे, दिक्कत नहीं होगी, तो एक बार दिल से ना बेटा वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।